यह सगाई नहीं हो सकती। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? सही कह रहा हूँ, झूठे मक्कार और ये गली गली जाकर चड्डी बेचने वाले के साथ मैं मेरी बेटी की शादी हरगिज नहीं कर सकता। गली गली चड्डी बेचने वाला? भाई साहब आपको कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी नहीं, गलत फैमिली चुन ली है हमने। आप क्या कह रहे हैं भाई साहब, मेरा बेटा गारमेंट का बिजनेस करता है। लेकिन अंडर लगाना भूल गई शायद आप, और गारमेंट्स और अंडर गारमेंट्स में बहुत फर्क होता है। तो क्या हुआ, मेरा बेटा गली गली चट्टियां बेचता है तो क्या हुआ? इज्जत का काम करता है, मेहनत करता है, कोई गुंडा मवाली नहीं है मेरा बेटा। आज इसके धंधे के बारे में पता चला है, कल को पता नहीं और क्या क्या पता चलेगा। तो जाइए जाइए, अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और कराइए, जाइए। चलो अली, आज पता चला ये दुनिया पैसे पे चलती है। आज तेरे पास गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम होता तो कोई तेरे को तेरे धंधे के बारे में पूछता? बड़ी बड़ी कंपनियां चड्डियां बेचती हैं तो क्या उनका रिश्ता कभी टूटा है? मकसूद, मेरा रिश्ता टूट गया इस बात का दुख नहीं है मुझे। मेरी वजह से आए कि आंखों में आंसू आए इस बात का गम है मुझे। दूसरे धर्म के होने के बावजूद उसने मुझे मेरे मजहब के हिसाब से पाला पोसा बड़ा किया और आज उसकी आंखों में मेरी वजह से आंसू आए इस बात का दुख है मुझे। बहुत स्ट्रांग है रे आई, देखा नहीं पहलवानों का मुंह कैसे बंद कर दिया उसने। अब सब छोड़ और अपन काम पे लग जाते हैं। लेकिन आज मुझे एक बात का अंदाजा हो गया है कि दुनिया रोकड़े पे चलती है, चाहे वो अंडर गारमेंट से आए या अंडर वर्ल्ड से। भाई उठो ना, चेयर लेके जाने गए। अरे मेरा रिश्ता टूट गया, बारात वापस चली गई, बीवी चली गई, तुझे कुर्सी की पड़ी, ले जा कुर्सी। आ जा भाई। मकसूद पूरा सोल टूट गया यार। शादी मुबारक हो अली। बर्बाद हो गया मैं, ये मुबारकबाद दे रहा है। चल चल। ये क्या खेल रहा है? गल्फ। गल्फ? हाँ, ये अपने कंचे जैसा होता है, अमीरों का खेल है। इस पे कंचे सिर्फ थोड़े बड़े होते हैं और एक डंडी से कंचों को खड्डे में डालना पड़ता है। ओ। क्या कर रहा है बे? सिंगानी के बच्चे बच्चे तो होंगे नहीं, तुझे कैसे पता? इतनी देर से एक बॉल को खड्डे में तो डाल नहीं पा रहा ये। सर क्या लेंगे आप? बांद्रा में 200 गज का प्लॉट दिलवा सकता है? नहीं सर। तो फिर क्यों पूछ रहा है? फिर ये पूछ के खाने पीने में क्या लेंगे? सर मेरा मतलब वो... तेरे मतलब के चक्कर में मेरा 200 गज का प्लॉट निकल गया ना हाथ से। तू एक काम कर, तो कटिंग चाय ले। जी सर। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग हफ्ता लेने आए थे या सिलेंडर, ये आदमी घास ही नहीं डाल रहा है। रुक रुक मैं बात करता हूँ। क्या सिंघानिया साहब, इतनी देर से एक बॉल गड्ढे में नहीं डाल पा रहे आप? तुम्हें क्या आसान लगता है? ये इतना मुश्किल भी नहीं है। कम या। ये तो सीरियस हो गए। यहाँ आओ। आ रहे आ रहे। ये लो, ये है क्लब, ये है बॉल, वो है होल, कम ऑन। छोड़ो ना साहब, मकसूद तो आ जाना। अरे यू यू कम ऑन, बहुत बात कर रहे थे ना, कम ऑन। वो जहाँ झंडा है वो वाला गड्ढा ना? हाँ जी। ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है।
वन मोर। यस सर, ये तो हो गया। हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ, चलो आगे चलो, लेट्स गो। आजा मकसूद। यहाँ क्या करना है? इसे पट करो। पट मतलब? इस बॉल को उस खड्डे में डालो, पटर दो इनको। यस सर। ये तो इससे भी डल जाएगा। ये लीजिए। यहाँ से? हाँ। इट्स अ ब्लडी फ्लूक। ये तो तुक्के से गई। तुक्का? 3 घंटे से आप खेल लेते, आपका तो तुक्का नहीं लगा। ये बात है, इसको डाल के दिखाओ। इसी गड्ढे में ना? हाँ। ये भी गया। इसको भी डालो, इसको डालो। कमाल कर दिया। कुछ डालना है? ये किया कैसे तुमने? किया नहीं, हो गया। मतलब? मतलब गड्ढों के बारे में बचपन से नॉलेज है उनको। घर में गड्ढा, सड़क पे गड्ढा, जिंदगी में गड्ढा। तो गड्ढे अपने बारे में इतना नहीं जानते जितना अपन जानता है गड्ढों के बारे में। सिंघानिया साहब, गड्ढों की बात हो गई, आप थोड़ी गड्ढी की बात कर लें। बैग लाओ। थैंक यू। थैंक यू। तूने ये कैसे किया? पता लगते बता। अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो अपने बस्ती का ओलमोंग है। गड्ढा है, चल चल। पहले तो चट्टियों की बात छुपाई, फिर से ये सब। अरे दूर से लगता है बुढ़ाऊ किशन लाल ने आय को सब कुछ बता दिया। अरे अरे बेटा, अरे तू खुद के घर में चोरों की तरह क्या झांक रहा है? तेरी तो। अरे झाड़ू, सफाई अभियान। अरे अली, बाहर क्या कर रहा है? अंदर आ। आइए। क्या ये सब क्या सुन रही हूँ? क्या वो तो बस ऐसे ही। वैसे ही क्या? अली, मैंने सुलभा बहन को सब कुछ बता दिया कि तू गोल्फ बहुत अच्छा खेलता है। वो तो ऐसी। ऐसे ही क्या? तेरे गोल्फ के चक्कर में मेरी बस छूट गई। तेरे को नहीं पता था आज मैं चार धाम की तीर्थ यात्रा के लिए निकलने वाली हूँ, जल्दी नहीं आ सकता था? तो एक दिन बाद में चली जाना ना। कपड़ा अब तो मुझे कल सुबह ही जाना पड़ेगा। एक दिन में कौन से दुआएं कम आएंगी? अरे क्या कर रहा है? चाय तो धंधे की बात करनी है थोड़ी सी। अरे चाचा, मैं तो घबरा गया था कि मेरे धंधे के बारे में तो नहीं बता दिया आई को। बेटा अभी तक तो नहीं बताया, पर तू सुधरा नहीं ना तो बता दूंगा जल्दी। अरे क्या चाचा, 3-4 हजार के लिए 34 साल के मासूम बच्चों को ब्लैकमेल कर रहे हो तुम? पैसा चाहिए था तो मुझे ऐसे ही बता देते, मैं वैसे ही दे देता। अबे मुझे नहीं चाहिए तेरे 2 नंबर का पैसा, रख तू। अरे चाचा सुनो तो, पैसे क्यों नहीं चाहिए तुम्हें? अरे सुनो तो सही, मैं समझ गया एक मिनट। इस उम्र में कभी कभी होता है ऐसा। दीपा बार में एक सोनम है, मकसूद की खास, खास का मतलब समझते हो ना? मैं बोल दूंगा उसको। क्या? बैठो बैठो। अरे क्या कर रहा है? स्पोर्ट्स शूज तो होंगे ना तुम्हारे पास? स्पोर्ट्स शूज? हाँ। क्यों? रेड पड़ते भागना पड़ता है। छी छी छी, कैसी गंदी बातें कर रहे तू। मकसूद के साथ रह रहकर बहुत बिगड़ गया तू। अरे चाचा, ना तुम्हें लड़की चाहिए ना पैसा चाहिए, तुम्हारे शौक बदल तो नहीं गए? बकवास बंद कर और मेरी बात गौर से सुन। मैं चाहता हूँ कि तू 2 नंबर का धंधा छोड़कर गोल्फ खेले। क्या खेलूं? गोल्फ। इसीलिए तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हें पता ही नहीं कब किसके साथ क्या खेलना चाहिए। मेरी खेलने की उम्र निकल गई कमाने में, और कमाने की उम्र में तुम बात कर रहे हो खेलने की? चाचा मेरे को तो पैसा कमाने का है बस, पैसे से आज क्या कुछ नहीं खरीदा जा सकता है चाचा। हुनर, टैलेंट नहीं खरीद सकते। और जो हुनर मैंने आज तेरे अंदर देखा ना, वो लोग पैसा खर्च करके भी हासिल नहीं कर पाते। लेकिन तेरे टैलेंट को दुनिया के सामने मैं लेकर आऊंगा, बस तेरा साथ चाहिए।
धंधा कैसे चलेगा मेरा और घर का खर्चा? अमरीका आ गया मदद करने के लिए। गोल्फ में बहुत पैसा है अली, वो भी इज्जत का। मेरी बात मान, एक बार मेरे कहने से गोल्फ सीख और दिल से खेल। आई का एहसान चुकाने का यही मौका है। तू गोल्फ का सचिन बन सकता है अली, सचिन। आई देख बेटा, मैं दर्शन के लिए जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। खाना 3 टाइम खाना, और उस मकसद से 1 टाइम भी नहीं मिला। तू भी अपना ध्यान रखना। हाँ। और कोई भी लावारिस सामान मत उठाना मेरी तरह। सुलभा जल्दी कर, देर हो जाएगी। हाँ। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना है, खुदा हाफिज। ये तूफान कहाँ जा रहा है? चार धाम की यात्रा करने जा रही है। आई तो फिर बस्ती में शांति। अरे माल उठाने जाना है यार। मेरे को क्लब जाने का है, मेरे को गल्फ सीखने का। गल्फ? एक दिन गल्फ क्या खेली, तुझे बॉल और होल दिखने लग गया है? अबे ABCD बोलने से कोई अंग्रेज नहीं बन जाता है। छोड़ ये गल्फ बॉल का चक्कर और लग जा काम पर। अरे वो किशन चाचा ने उसकी वजह से मेरे को। कौन? वो ओल्ड मॉन्क बोलता है मेरे को चैंपियन बनाएगा, ऐसा बोलता है वो। खुद घोड़ी पे नहीं बैठा और तुझे दूल्हा बनाएगा? अरे यही तो मैं उसको समझा रहा हूँ, वो मानता ही नहीं। बोलता है अगर मेरी बात नहीं मानोगे मैं आई को बोल देगा तुम्हारे मेरे धंधे के बारे में। इसकी ऐसी की तैसी, वो आई को कैसे बोलेगा? हाँ गोली से नहीं मार दूंगा मैं उसको। वैसे भी इस बस्ती में बहुत दिनों से कोई मरा नहीं है। नहीं नहीं, उसके बहुत एहसान है हमारे ऊपर। बाबूजी के मरने के बाद उसी ने मुझे और आई को संभाला। तेरे को भी? हाँ, क्या बोला? चल चल कॉल करते, चल चल चल। नहीं नहीं, चल। सलाम। 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 खुदा हाफिज। ये यहाँ क्यों आया अली? तू इस दुनिया में क्यों आया मैंने पूछा तेरे को? मैं अली का गेम देखने और तेरा गेम समझने आया हूँ। अली यहाँ बाहर वालों को खेलने की इजाजत नहीं है। लेकिन हम बाहर वाले कहाँ हैं, हम तो अंदर वाले। हस। अली मैं तुझे पहले से समझा रहा था, इस ओल्ड मॉन्क की बातों में मत आ। चल अपन चलते हैं। चल। रुको अली, 20 साल की मेरी नौकरी और कल तेरा गेम देखकर बड़ी मुश्किल से यहाँ प्रैक्टिस करने की परमिशन मिली है, और परमिशन सिर्फ एक आदमी की है। भाई एक चुटकुला याद आ गया। एक बार एक लड़का एक दोस्त को लेके आता है, वहाँ एक बूढ़ा आदमी उसकी बेइज्जती कर देता है, कहता है गेट आउट फ्रॉम हियर। अली तू जाके प्रैक्टिस कर, जा। चला जा। तुझे बहुत चुटकुले याद आ रहे हैं, पंचलाइन सुना तेरे को? नहीं भाई, नहीं भाई। लाल झंडा उधर। हाँ तो जहां बोल गई है वहीं झंडा गाड़ दो ना। कल मारा था ना तुमने? अभी बहुत हो गया। अली तू अगर इस डर से यहां खेलने आया है कि कहीं मैं आई को जाके ये ना बता दूं कि तू गलत धंधा करता है, तो तू जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना। क्या? तेरी आने वाली जिंदगी एक सही शॉट और एक गलत फैसले के बीच में टिकी हुई है। सोच ले आज क्या लेना, गलत फैसला या सही शॉट। हमने तो अभी शॉट लिया ही नहीं। मैं तुम्हारी नहीं उसकी बात कर रही हूँ। ये कौन है? अरे ये तो अली है, हमारे बगल वाली बस्ती में रहता है। तुम्हारी बस्ती वाले भी गोल्फ खेलते हैं? नहीं सर, कुछ दिन पहले तो चड्डी और बनियान बेचता था, अब पता नहीं। आप लोग गल्फ खेलने के लिए आए हैं इधर? गल्फ नहीं, इसे गोल्फ कहते हैं। अब गल्फ खेलो या गोल्फ खेलो, हमारे लिए तो हर गोरा अंग्रेजी है। ये अली तुझे पता है कौन है? विक्रम राठौर, गोल्फ चैंपियन। हाउ आर यू सर? हाउ आर यू? थैंक यू।
आपने आते मुझे एक चीज सिखा दी आज कि चैंपियन बनने के बाद किसी से हाथ नहीं मिलाना। चैंपियन बनोगे तब ना। ये कोई चड्डियां बेचने का बिजनेस नहीं है कि कस्टमर के सामने गिड़गिड़ा लिए और बिक गई। ये गोल्फ है, हम अमीरों का खेल। तू जैसा गरीब अपनी एक किडनी बेचेगा ना, उसका एक क्लब आएगा। क्लब समझता है? गोल्फ स्टिक। हम गरीब लोग हैं, जरूरत पड़ने पर दिल निकाल के रख देते हैं, तो फिर किडनी क्या चीज है? कभी जरूरत पड़े तो बताना। और एक बात और, खेल कोई भी, हम गरीब लोग या तो जीतते हैं या सीखते हैं हारते कभी नहीं आता। और हाँ, ये क्या लगा रखा है अमीर गरीब? आजकल कोई बात नहीं करता ये सब। अली, अमीर गरीब ये क्या कर रहे हैं? क्या ये गोल्फ चैंपियन है? तुम बहुत पीछे हो और ये बहुत आगे हैं। हाँ हो गया ना ये पीछे। मैचिंग मैचिंग।